देश के कई राज्यों में बाढ़ से गंभीर स्थिति, बिहार और असम में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। बिहार में 34 की मौत, सीतामढ़ी जिले में 10 की गई जान, एनडीआरएफ की 10 टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरभंगा में बाढ़ के पानी में चंद सेकंड के अंदर धराशायी हो गया पुल, बीच का हिस्सा तेज बहाव में बहा, गांव वालों का NH57 से संपर्क टूटा। दरभंगा में बाढ़ ने उजाड़ा हाईवे पर बना आसरा, NH57 पर हाईवे के बीच बस गई थी बस्ती। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ से कट गई सड़क, बह रही है अब तेज धारा। बठिंडा में भारी बारिश के बीच ढही एक गौशाला की छत, गौशाला में थी 80 गायें, रेस्क्यू मिशन जारी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर असर, किनारे के मंदिर हुए जलमग्न। बारामूला में सीआरपीएफ जवान की दिलेरी, अपनी जान पर खेलकर नदी में डूबती 14 साल की बच्ची की बचाई जान। जम्मू कश्मीर के त्राल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की दोहरी मार, चिनार का पेड़ धराशायी, 3 मंजिला मकान और कई गाड़ियां चपेट में आई। उत्तराखंड के चंपावत में NH9 पर पहाड़ों से गिरा मलबा, 4 घंटे तक आवाजाही रही थी। असम में 30 जिलों में बाढ़ से तबाही, मरने वालों की तादाद 15 हुई, करीब 43 लाख की आबादी हुई है प्रभावित। गोलाघाट में एनडीआरएफ ने बचाई बाढ़ में फंसे एक बच्चे की जान, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क का 90% हिस्सा बाढ़ के पानी में डूबा, जानवरों की जिंदगी पर आफत। यमुनानगर में 3 दिन से लगातार बारिश की वजह से घर की छत गिरी, मलबे में दबकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, पिता हुए घायल। बहराइच में घाघरा और सरयू नदियों की कटान रोकने को किसान कर रहे हैं हवन पूजा, प्रशासन पर लगाया है अनदेखी का आरोप। पीलीभीत में लेडी सिंघम बनकर SDM ने खाली कराया कब्रिस्तान, डेयरी घर और दुकानों का हुआ था निर्माण। सागर में SDM के रवैये से बीना के बीजेपी विधायक नाराज, उन्हीं के चेंबर में उन्हीं के सामने लगवाए SDM मुर्दाबाद के नारे। मिर्जापुर में DM ने पेश की मिसाल, कई घंटे तक गंदे तालाब में घुसकर की सफाई। महाराजगंज में युवक की जमकर दुनाई, दूसरी शादी कराने में मदद करने पर फूटा गुस्सा, पुलिस ने पिटाई करने वाली महिलाओं को हिरासत में लिया। आगरा जेल में जुआ खेलते नजर आए कैदी, मोबाइल से रिकॉर्ड तस्वीरें हुई वायरल, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। सांसदों का मोदी का मंत्र, राजनीति से हटकर करें काम, लेकिन गैर हाजिर सांसदों को भी फटकार, मौजूद रहने के 2 निर्देश। समाजवादी पार्टी के सांसद पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे बीजेपी में होंगे शामिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद आज दोपहर थामेंगे बीजेपी का दामन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को बेल, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की तरफ से मानहानि केस में दोनों की पेशी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ भंग करने पर प्रियंका गांधी के सवाल, पूछा छात्रों की आवाज से क्यों डरी सरकार, ठहराया तानाशाही रवैया। कर्नाटक के बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, स्पीकर के रूल पर जताया आतराज, आज बेंगलुरु पहुंच सकते हैं अध्यक्ष। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।